नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी व्याकरण आनंद पाठ क्रिया भाग एक को पढ़ेंगे तथा उसको समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्रिया पढ़ेंगे तथा उसको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, क्रिया का अर्थ होता है करना। किसी भी काम को करना क्रिया कहलाती है। आइए हम एक अनुच्छेद के माध्यम से इसको देखते हैं। रीमा सुबह जब विद्यालय बस में चढ़ी तो उसने देखा कि सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। अध्यापिका उनकी हाजिरी ले रही है। कुछ बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। रीमा की सहेली सो रही है। कुछ बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। रीमा की सहेली सो रही है। एक लड़का सेब खा रहा है। कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। वह भी अपनी सहेली के पास आकर बैठ गई। बच्चों, आपने देखा इस अनुच्छेद में कुछ शब्दों के नीचे रेखांकित किया हुआ है। मतलब जो रेखांकित शब्द है वो किसी न किसी काम को करने की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे चढ़ी, देखा, बैठी है, ले रही है, पढ़ रहे हैं, सो रही है, खा रहा है, कर रहे हैं और बैठ गई। प्यारे बच्चों, ये रेखांकित शब्द किसी भी काम को करने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन शब्दों के माध्यम से कुछ न कुछ कार्य हो रहा है। हमें पता चल रहा है कि यहाँ कोई न कोई काम हो रहा है। जब रीमा विद्यालय बस में चढ़ी, चढ़ना एक काम है, देखना एक काम है, बैठना, बैठना भी एक क्रिया है, काम है, लेना, अध्यापिका बच्चों की हाजिरी ले रही थी तो लेना भी एक काम है, पढ़ रहे हैं बच्चों, पढ़ना भी एक क्रिया है, एक काम है, सो रही है, सोना, सोना भी एक क्रिया है। प्यारे बच्चों, ये सभी क्रिया किसी न क्रिया कोई न कोई काम हो रहा है, किसी न किसी कार्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जिन शब्दों के माध्यम से ये पता चले कि कोई कार्य होने वाला है या कार्य हो रहा है, उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्रिया की परिभाषा देखते हैं कि क्रिया क्या है। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। बच्चों, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी कार्य का करना या होना, मतलब कार्य हो रहा है, हो गया या होने वाला है, उसके बारे में पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। आइए बच्चों, अब इसके उदाहरण देखते हैं। बच्चा पतंग उड़ा रहा है, औरत कपड़े सिल रही है, हलवाई मिठाई बना रहा है। प्यारे बच्चों, एक बात आपने देखी कि यहाँ पर बच्चा, औरत और हलवाई कोई न कोई काम कर रहे हैं, मतलब उनके द्वारा कुछ न कुछ काम हो रहा है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, जिनके द्वारा कोई भी काम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, जिनके माध्यम से कोई भी कार्य किया जाता है, जिनके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है उन्हें हम कर्ता कहते हैं। बच्चों, कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला। आया समझ में? जो कर्ता होता है वह काम को करने वाला होता है, मतलब उसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है उन्हें हम कर्ता कहते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा बच्चा पतंग उड़ा रहा है, कार्य कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। पतंग कौन उड़ा रहा है? बच्चा उड़ा रहा है। तो बच्चा यहाँ पर क्या हुआ? कर्ता। उड़ा रहा है, उड़ाना क्या है? क्रिया।
कार्य क्या हो रहा है, क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है ना, तो ये जो क्रिया है उड़ाना वो यहाँ पर उड़ा रहा है, क्रिया हुई। और कर्ता कौन है, बच्चा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, औरत कपड़े सील रही है। बच्चों यहाँ पर काम कौन कर रहा है, जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ पर कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन काम को कर रहा है। बच्चों औरत कपड़े सील रही है ना, मतलब औरत के द्वारा काम हो रहा है, तो कर्ता कौन हुआ यहाँ पर, औरत। क्रिया क्या हमारी, सील रही है, मतलब सीलना हमारी क्रिया है। आगे देखिए, हलवाई मिठाई बना रहा है। बच्चों यहाँ पर हलवाई क्या है हमारा, कर्ता। काम किसके द्वारा किया जा रहा है, काम कौन कर रहा है, हलवाई। तो हलवाई हमारा क्या हुआ यहाँ पर, कर्ता। और बना रहा है क्या है, क्रिया। प्यारे बच्चों इन उदाहरणों के माध्यम से आप कर्ता और क्रिया का अंतर अच्छे से समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों बच्चा औरत हलवाई तीनों कर्ता शब्द हैं, और रहा है, सील रही है, उड़ रहा है, बना रहा है, ये हमारे क्या है, क्रियाएं। आइए बच्चों आगे हम कुछ क्रिया शब्दों को देखते हैं। रोना, पढ़ना, खेलना, जागना, लाना, लिखना, गिरना, भागना, सोना, हंसना, सुनना, ये सारे शब्द क्या हैं, हमारी क्रियाएं हैं। बच्चा रोता है या बच्चा रो रहा है, ये क्या हुआ, रोना हमारी क्रिया। वह पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया। खेलना, बच्चे खेल रहे हैं, खेलना क्या है, क्रिया। कोई भी इन वाक्यों में आपने देखा कि कोई ना कोई काम हो रहा है, किसी के द्वारा कोई भी कार्य हो रहा है। आप इन सभी क्रिया शब्दों के माध्यम से एक एक वाक्य बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जागना, बच्चा जाग गया। लाना, पापा जी फल लाए। लिखना, वह लिख रही है। गिरना, बच्चा गिर गया। भागना, बच्चे भाग रहे हैं। सोना, रीना सो रही है। हंसना, लड़कियां हंस रही है। सुनना, अध्यापिका को बच्चे अच्छे से सुनते हैं। ये सारे क्रिया शब्द हैं। इन शब्दों के माध्यम से आपको वाक्य बना बना कर देखने हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आगे कुछ और उदाहरण हैं, कुछ और इनके वाक्य हैं जिनके माध्यम से हम आपको अच्छे से क्रिया के बारे में बताएंगे। चलिए उनको देखते हैं। आइए बच्चों अब हम कुछ अन्य क्रिया शब्दों को देखते हैं। है, हैं, था, थे, होंगे, होगा आदि भी क्रिया शब्द हैं। प्यारे बच्चों इन शब्दों के माध्यम से भी आप क्रिया को काम में ला सकते हैं, इनके माध्यम से भी काम होता नजर आता है। जैसे आज बुधवार है, कल मंगलवार था, है हमारा कि आज बुधवार का काम आज हो रहा है, था मतलब कल था, जब काम हो चुका, बीत चुका। उसके बाद कुछ अन्य क्रियाएं होती हैं, कुछ काम किए जाते हैं, कुछ स्वयं हो जाते हैं, मतलब कुछ क्रियाएं हम करते हैं, कुछ अपने आप हो जाती हैं, जो प्राकृतिक होती हैं, जो अपने आप ही संपन्न हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। आइए देखते हैं उदाहरण। खेतों में फसल उग रही है, मतलब क्रिया अपने आप हो रही है, खेतों में जो फसल उग रही है वो क्रिया, वो काम अपने आप हो रहा है। किसान फसल काट रहा है, मतलब यहाँ पे काम किसके द्वारा किया जा रहा है, किसान के द्वारा। क्रिया कौन कर रहा है, किसान। फसल कौन काट रहा है, काटने का काम कौन कर रहा है, किसान। तो यहाँ पे तो क्रिया हो रही है, किसी के द्वारा की जा रही है, लेकिन खेतों में फसल उग रही है, तो जो फसल उग रही है वो काम अपने आप हो रहा है, क्रिया स्वयं हो रही है। तो कुछ क्रिया शब्द ऐसे होते हैं जो स्वयं हो जाती, कुछ क्रियाएं और किसी को किया जाता है।
है था थे होंगे होगा आदि भी क्रिया शब्द है। हमेशा याद रखना बच्चों इन छोटी छोटी बातों को। आइए अब हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। हमने पढ़ा क्रिया क्या है, क्रिया किन किन शब्दों के द्वारा हम क्रिया कर सकते हैं, क्रिया के अन्य कौन कौन से शब्द हैं, किसके माध्यम से क्रियाएं होती है, सारी चीजें हमने पढ़ी। अभी हम कुछ अभ्यास करते हैं, देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। बच्चों आपको इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द क्रिया शब्द है। पटना, हंसना, कहानी, पानी, पुरानी, पढ़ना, अखबार, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, कूदना, लड़का, काटना, घर, झूलना। आइए बच्चों अब हम अभ्यास करते हैं कि आपने कितना सीखा है। यहाँ पर मैंने कुछ क्रिया शब्द लिखे हैं, कुछ अन्य शब्द है, आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द क्रिया शब्द है। पटना, हंसना, कहानी, पानी, पुरानी, पढ़ना, अखबार, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, कूदना, लड़का, काटना, घर, झूलना। प्यारे बच्चों इनमें कुछ क्रिया शब्द छुपे हुए हैं, आपको उनको ढूंढना है, उन पर गोला लगाना है। तो चलिए देखते हैं, पटना, हंसना, कहानी, इसमें कौन सा क्रिया शब्द है, जल्दी जल्दी बताइए। आपने कितना सीखा उसके आधार पर आप जवाब दीजिए। हंसना, हमारा यहाँ पर उत्तर क्या होगा, हंसना क्रिया शब्द यहाँ पर क्या है, हंसना। उसके बाद पानी, पुरानी, पढ़ना, अब यहाँ पर हमारा क्रिया शब्द क्या हुआ, पढ़ना। अखबार, बच्चा, झूठ, बूढ़ा, यहाँ पर क्रिया शब्द कोई भी नहीं है। स्त्री, कूदना, लड़का, यहाँ पर क्रिया शब्द क्या हुआ, कूदना, यहाँ पर हमारी क्रिया क्या है, कूदना। काटना, घर, झूलना, इसमें हमारा क्रिया शब्द है काटना और झूलना। प्यारे बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको क्रिया अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमने क्रिया भाग एक पढ़ा है, इससे संबंधित कार्यपत्रिका व प्रक्षेपण आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगली वीडियो में हम क्रिया भाग दो को पढ़ेंगे, तब तक के लिए आपको वीडियो को अच्छे से देखकर अभ्यास करना है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में क्रिया भाग दो के साथ, तब तक घर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।